उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज किच्छा का दौरा किया। किच्छा पहुंचकर उन्होंने निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सीएम धामी को निर्माण कार्य के अद्यतन की जानकारी दी। इसके साथ ही मौके पर कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने उन सभी से बातचीत की। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में दिल्ली के ही तर्ज पर एम्स का सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। इस सेंटर के बन जाने के बाद कुमायूं के लोगों के साथ ही यूपी के सीमावर्ती जिलों के लोगों को फायदा होगा। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि काम बहुत तेजी से चल रहा है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत लंबे समय से एम्स की मांग की जाती रही है और यहाँ की जरूरत भी थी। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से हम सब लोगों ने निवेदन किया कि एक एम्स हमारे यहाँ पर खुलना चाहिए इस पूरे क्षेत्र के लिए। उन्होंने हम सब की मांग को बहुत गंभीरता से लिया और एक एम्स हमको यहाँ पर स्वीकृत हुआ। इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या और यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जिनको दिल्ली जाना पड़ता था, अन्य स्थानों पर भटकना पड़ता था, अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके घर के पास उनको पूरे जो सबसे अच्छी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो मिलेंगी। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा एक एम्स पहले ही जो है ऋषिकेश में स्वीकृत हो चुका है और अब हमारे राज्य के अंदर एक एम्स की ओपीडी वहाँ पहले से चालू है और 2025 के अंत तक यहाँ पर भी एम्स की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का कर्मचारी बहुत सारे, चूंकि ज्यादातर तो यहाँ के स्थानीय हैं, उन सबसे बात की है, महिला कर्मचारियों से भी बात की है और उनसे हालचाल दिया है कि काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी ने संतोष प्रकट किया है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से काम हो रहा है, सभी प्रसन्न है।